हे व्हाट्स अप पब्लिक, कैसे हैं आप सभी। अब स्टार्टिंग मैंने आप लोग को एक वीडियो दिखाया गन शॉट वाला, एक्चुअली जिसमें गोली मारता, गोली चलाया जाता है। अब मैंने मूवीज़ में, रियल में तो करा नहीं है, मूवीज़ में ही देखा है। जब गन जैसे फायर किया जाता है तो गन के आगे से एक फ्लैश टाइप में फायर, आग टाइप में निकलता है, या फिर आप स्मोक भी बोल सकते हैं, स्मोक भी हल्का सा निकलता है, तो वो उसको बेसिकली मजल फ्लैश बोलते हैं। तो वही कैसे रियल में क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम रियल में तो गन चलाएंगे नहीं, तो हमको एडिटिंग करके वो सारा चीज़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे गन चलाते वक्त, तो उसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एडिटिंग में, ठीक है। इस वीडियो में आपको वो पता चलने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो आएगा इस तरह का वीडियो पहले शूट करना। तो और शूट करने के लिए ये सारा चीज़ आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट आएगा स्क्रिप्टिंग का, यानी कि जो 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 शॉट आप लेने वाले वो चीज़ को आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा शॉट में क्या था कि उधर से सर चल के आते हैं, मेरे सर हैं एक्चुअली, वो वहाँ से चल के आते हैं और उसके बाद कुछ लाइक उतरते हैं, फिर गन निकालते ऐसे करते हैं। तो सारा चीज़ आपको एक एक शॉट लिखना पड़ेगा अपने स्टोरी के हिसाब से, आप जो भी स्टोरी बना रहे हो, ठीक है। मैंने अपने स्टोरी के हिसाब से इस तरह से कुछ लिखा, तो आपको भी अपने स्टोरी के हिसाब से जो जो है सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। अब मेन शॉट यानी कि ये वाला शॉट, ये शॉट करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको जिस एंगल से दिखाना है, मैं कुछ प्रीसेट्स आपको, मतलब कुछ क्या बोलते हैं इसको, फुटेज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब देखो क्या रहता है कि अगर आप सामने से ऐसे करते हो तो उसका अलग फ्लैश आता है, अगर आप साइड से ऐसे करते हो तो उसका अलग इफेक्ट आता है, और अगर आप डायगनली कैसे करते हो, तिरछा, तो उसका एक अलग रहेगा। तो उस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने अपना बात करूँ तो मैंने ऐसे दिखाया था, ऐसे में सामने से मैंने नहीं दिखाया था, सामने से फ्लैश नहीं होगा, सामने सिर्फ मैंने शॉट लिया था, तो मैंने ऐसे करा था। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको मैं दो तीन फुटेज दूंगा, आपको उस हिसाब से शूट करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में हाथ घुमा के शूट कर लेना, मैंने ऐसे करा था, आपको अगर ऐसा करना हो ऐसा कर सकते हो, सामने वाला करना हो तो सामने वाला कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वो सारा चीज़ आप शूट कर लो ऐसे करते हो, और फायर करने के बाद आपको हल्का सा इफेक्ट देना कि ऐसे, हाँ आपने सही में फायर किया, ऐसे नहीं कि ऐसे किया गोली चल भी गया, हाथ हल्का हिला भी नहीं, क्योंकि वो हल्का सा रिकॉयल वाला इफेक्ट आना चाहिए। जैसे गन चला तो हल्का सा हाथ जो पीछे की तरफ आता है वो, मतलब वो चीज़ आना चाहिए, फील आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को कुछ शूट करना, शूट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब शूट हो जाए तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें पोस्ट प्रोडक्शन में, तो हमको इसमें सिर्फ एक स्टॉक फुटेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये वाला फ्लैश का, जिसका कि लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करो। एंड ग्रीन स्क्रीन अगर होगा तो आपको क्रोमा की मदद से उसको निकालना पड़ेगा, और अगर ब्लैक स्क्रीन यूज़ करते हो तो उसको आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से निकालना पड़ेगा। कैसे, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ अब। सो एडिटिंग जो है हम वो करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन पे। तो सिंपली अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन कीजिए और अपना फुटेज को इंपोर्ट करिए। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद मैं उस पोजीशन पे जाऊँगा जहाँ पे यहाँ पर फायरिंग हो रहा है, एंड लेयर पे जाके मैं ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, एंड इसको मैं उतना कट कर लूँगा जहाँ से मेरे को इफेक्ट चाहिए, मजल वाला इफेक्ट इसमें है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर चेक करूँगा पहले कहाँ पर वो इफेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो उसको पहले मेरे को खोजना पड़ेगा। तो खोजने के बाद क्या करना होता है, जैसे ही मेरे को मिल जाए तो उसको मैं पहले आगे पीछे जितना हो, मेरे को जितना पार्ट चाहिए बस उतना पार्ट को रखूँगा और बाकी सारे पार्ट को डिलीट कर दूँगा। जैसे कि यहाँ मेरे को मिला एंड पीछे वाला पार्ट गया कट, एंड इसके आगे मैं लेके जाऊँगा और इसके आगे वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसको मैं अभी हटा दूँगा फिलहाल अब। और इसको जो है थोड़ा इसका पोजिशन फिट करते हैं, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको स्क्रीन कर देते हैं। तो क्या होगा कि अब सिर्फ ब्लैक जो है वो भाग गया और सिर्फ आग बचा है, ठीक है। तो अब हम इसको गन पे अपने हिसाब से लगाएंगे, तो जिससे कि मतलब ये शॉट रियल लगे। अब देखो मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। मिलाओ एंड अपने शॉट के हिसाब से देखो ये कहाँ पे कैसा रिक्वायरमेंट, कैसा लगता है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्मोक भी लगा सकते हो, बस इतना ही है इसके एडिटिंग में। इसके बाद आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर दो बस। अब देखो एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद ये पूरा ओरिजिनल नहीं लगेगा, तो उसको ओरिजिनल फील करवाने के लिए आपको कलर ग्रेड करना पड़ेगा। कलर ग्रेड कैसे करते हैं मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप इसको देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारा वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है।
तो आपको कलर ग्रेड करना पड़ेगा। कलर ग्रेड कर दोगे एक बार तो आपका फुटेज सारा चीज़ मैच हो जाएगा, कलर जो आपका फ्लैश है और प्लस आपका फुटेज मैच हो जाएगा तो अपने आप रियल लगने लगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो आपका रेडी है कहीं भी पब्लिश करने के लिए, अपलोड करने के लिए। सो दिस वॉज द एडिटिंग ऑफ दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। इफ यू गाइज एंजॉयड देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वाया दिस आईडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।